हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम काफ़ी टाइम मिल रहे हैं आज, काफ़ी टाइम बाद। तो ये मैं 12th लेक्चर के साथ आ गया हूँ राजस्थानी स्कूल का, और ये हमारा थर्ड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद दो लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर हमारा फुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, इतने सारे लेक्चर क्यों लगे? तो मैं चाहता था आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे अपने बोर्ड्स में, और आप फुल में से फुल मार्क्स अचीव कर पाओ, और कोई भी क्वेश्चन को देखकर आपको ये ना लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ा। तो मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, मतलब जितना होना था ना उससे मोर देन सफिशियंट। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो, शॉर्ट्स देख लो, लॉन्ग देख लो, तो गाइज आपके मतलब फुल में से फुल मार्क्स कहीं नहीं जाए राजस्थान स्कूल में। इसके बाद मैं बाहरी स्कूल भी कराऊंगा, उसके लिए भी थोड़े बने रहिए, क्योंकि यार मेरा भी एग्ज़ाम होता है, उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं जितना भी टाइम मिलता है उसमें आपके लिए निकाल ही देता हूँ। तो आज है शॉर्ट नोट्स, तो इसको आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज करने के लिए आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि मैंने सभी पेंटिंग को इजी वे में लिख दिया। जैसे कि पहला नंबर पर मारू रागनी ए, तो मारू रागनी ए के जो आर्टिस्ट थे वो साहिबद्दीन थे, और इसका जो सब स्कूल था वो मेवार था। इस पेंटिंग में, इस पर्टिकुलर पेंटिंग में क्या दिखाया गया था? किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन कैमल। याद करो, मैंने अपने लेक्चर में कराया हुआ है कि किंग और क्वीन ना कैमल पर भाग रहे थे। मारू रागनी बी, इसके भी आर्टिस्ट साहिबद्दीन है और ये भी मेवार की है। तो इसमें क्या दिखाया गया था? ढोला एंड नायिका ऑफरिंग कप एंड टू ईच अदर एंड फ्लावर टू ईच अदर। वो एक ढोला था, एक नायिका थी, दोनों एक दूसरे को कप दे रहे थे और फ्लावर ऑफर कर रहे थे। थर्ड नंबर पर आ रही है ये वाली हमारी राजा अनिरुद्ध सिंघारा। इस वाली पेंटिंग में हमें क्या दिखाया गया था कि एक किंग है जो कि हॉर्स पर भाग रहा है, याद करो। और ऊपर से फोर्थ पेंटिंग में क्या लिखाया गया है? चौगन प्लेयर्स में, इसके जो आर्टिस्ट थे वो दाना थे, और इसका जो सब स्कूल था वो जोधपुर था। इसमें टू क्वीन विद चार नौकरानी यानी चार मेट्स प्लेइंग पोलो, पोलो खेल रही थी। नंबर फाइव पर कृष्णा ऑन स्विंग, इसके जो आर्टिस्ट थे वो नूरुद्दीन थे, और ये बीकानेर की पेंटिंग थी। इसमें कृष्णा जो स्विंग पर बैठे थे और गोपी जो थे टेरेस पे थी, याद करो, वो झूल रहे थे। और सिक्स वाली पेंटिंग है राधा भंडे ने, सबसे इजी पेंटिंग, माय फेवरेट पेंटिंग, निहाल चंद इसका आर्टिस्ट है, और किशनगढ़ की पेंटिंग है। इसमें ये पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा किया कहा जाता है। इसमें आपको दिखाया होगा फोरहेड काफ़ी बड़ा बड़ा दिखाया गया था, नोज फिंगर काफ़ी डेलिकेटेड दिखाई गई थी, और फिंगर्स ने लोटस की कलियों को पकड़ा रखा था, ओढ़नी काफ़ी ज़्यादा वेल डेकोरेटेड थी। ये सब इस पेंटिंग में था। आप मैं सब जितनी भी पेंटिंग है सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, और कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और लास्ट पेंटिंग ने हमारी भारत में सामा है चित्रकूट। इस पेंटिंग, ये जो पेंटिंग थी गुमान की थी, और ये जयपुर स्कूल की थी, और इसमें 49 फिगर्स दिखाई गई होगी। आपने देखो इस पेंटिंग में मैंने सब कुछ दिखाया है, लक्ष्मण राम की पूरी मतलब वो दिखाई गई है पेंटिंग में, कौन क्या कर रहा है। तो ये सब मैंने करा चुका हूँ, आप इनके डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है मुझसे रिलेटेड, मतलब आपको कुछ भी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे मतलब कॉमेंट कर दिया करो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, और आपकी हेल्प करने की अपना पूरा 100% देने की ट्राई करूँगा। क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा और हम रिवॉल्यूशन ला सकें, और कुछ अच्छी स्टडी मतलब यूट्यूब पे दे सकें फ्री में। तो आप बता देना आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी मैं लास्ट लेक्चर में अटैच कर दूँगा। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।